स्टार प्लस का शो साथ निभाना साथिया आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये शो और इसके कलाकार काफी चर्चे का विषय बने हुए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर इस सीरियल के एक मशहूर डायलॉग रसोड़े में कौन था को लेकर एक बेहतरीन रैप बनाया था। ये रैप इतना वायरल हो गया कि लोगों ने साथ निभाना साथिया 2 की डिमांड कर दी मेकर्स से, और मेकर्स ने भी बिल्कुल डिले नहीं किया सीजन 2 का टीजर लॉन्च करने में। Well, इससे पहले कि इस शो का सीजन 2 आपके टीवी स्क्रीन्स पर आए, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे साथ निभाना साथियां सीजन 1 के किरदारों के बारे में। नंबर 1, रूपल पटेल। इस शो में रूपल पटेल कोकिला बेन का किरदार निभा रही थी, और रसोड़े में कौन था दरअसल उन्हीं का डायलॉग है जो काफी पॉपुलर हुआ था। उनका किरदार शो में काफी दमदार था। पूरे शो में अपना हुक्म चलाने वाली कोकिला बेन हमेशा अपने परिवार को एकजुट कर चलने का प्रयास करती थी और अपनी बहुओं को डरा कर रखती थी। रूपल इस शो के बाद कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, और आजकल स्टार प्लस के ही एक और पॉपुलर शो ये रिश्ते हैं प्यार के में नजर आ रही हैं। रूपल ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स भी किया है। नंबर 2, जिया मानिक। मासूम सा चेहरा और सहमी सी गोपी बहू का किरदार निभाकर जिया सभी के दिलों में अपने लिए जगह बना चुकी थी। ऐसा लगता था कि गोपी बहू का किरदार उन्हीं के लिए लिखा हुआ है, मगर कुछ ही समय बाद जिया ने ये शो छोड़ दिया था। जिया के बाद इस रोल को देवोलीना चैटर्जी ने निभाया था। बता दे कि जिया अहमदाबाद की रहने वाली हैं और एक गुजराती परिवार को बिलोंग करती हैं। बीते 5 सालों में भले ही जिया छोटे पर्दे पर नजर नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर वो हमेशा ही एक्टिव रहती थी और उनकी फैन फॉलोइंग वैसी ही बनी रही। नंबर 3, मोहम्मद नाजिम। साथ निभाना साथिया में मोहम्मद नाजिम अहम मोदी यानी कि गोपी के पति और कोकिला बेन के बेटे का किरदार निभा रहे थे। नाजिम यूं तो कई टीवी शोज में नजर आ चुके हैं, पर उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी साथ निभाना साथिया से ही मिली। कोरोना वायरस के वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान नाजिम अपने होम टाउन पंजाब चले गए थे, पर खबरें हैं कि अब वो मुंबई वापस आ गए हैं और साथ निभाना साथियां 2 में भी वो अहम मोदी के किरदार में ही नजर आएंगे। नंबर 4, वंदना विठलानी। वंदना इस शो में उर्मिला का किरदार निभाते हुए नजर आई थी, जो राशि के साथ मिलकर हमेशा साजिश करने में लगी रहती थी। वंदना ने ससुराल सिमर का में भी काम किया है, पर साथ निभाना साथिया में वंदना ने पूरे 7 साल तक काम किया है। वैसे ये शो भी 7 साल तक टेलीकास्ट हुआ और 2017 में ये ऑफ एयर चला गया। उम्मीद है कि शो के सेकंड सीजन में वंदना की भी वापसी होगी। नंबर 5, रुचा हस्बनिस। रुचा ने साथ निभाना साथिया में गोपी की बहन राशि का किरदार निभाया था। पिछले साल ही वो रियल लाइफ में मां बनी है। रुचा ने 2015 में अपने बचपन के दोस्त राहुल से शादी की थी। रुचा फिलहाल अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही हैं, इसलिए इनका सीजन 2 में वापसी करना मुश्किल ही है। अब आप बताइए कि क्या आप एक्साइटेड हैं साथ निभाना साथियां 2 के लिए। बॉलीवुड और टेलीविजन के मसालेदार अपडेट्स और स्पाइसी गॉसिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा को।